हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट पॉल्यूशन। व्हाट इज पॉल्यूशन? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में जो चेंज होता है उसे एनवायरमेंट पॉल्यूशन बोला जाता है। दूसरी डेफिनेशन, अदर वर्ड, सच चेंज आर कोज्ड बाई थिंग्स दैट आर इंट्रोड्यूस इंटू द एनवायरमेंट जनरली बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। ऐसा चेंज जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा कोज्ड बाई थिंग्स दैट आर इंट्रोड्यूस इंटू द एनवायरमेंट जनरली बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। एनवायरमेंट में जो भी कोई चेंज होता है उसके चाहे उसे फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक में जो भी चेंज होता है वो किसी के द्वारा हो, चाहे ह्यूमन के द्वारा हो, चाहे एनवायरमेंट के द्वारा हो। नेचुरल पोल्यूशन भी होता है और मैन मेड पोल्यूशन भी होते हैं, तो उसकी क्वालिटी में जो चेंज होता है उसे ही पोल्यूशन बोला जाता है। स्टूडेंट्स, पोल्यूशन मेनी टाइप्स होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। तो सबसे पहले अपन एयर पोल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले एयर पोल्यूशन में नेचुरल सोर्स से भी एयर पोल्यूशन होता है और मैन मेड सोर्स भी एयर पोल्यूशन में होते हैं, और कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इसको डिटेल में देखते हैं। एयर पोल्यूशन इज द आउटकम ऑफ एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की कंपोजिशन में जो चेंज होता है उसे बोला जाता है आइदर बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स ऑफ द कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द हेल्थ। फिजिकली और केमिकली मेथड के द्वारा एयर की कंपोजिशन में जो चेंज होता है वो अपने लिए हार्मफुल हो, वो एयर, उसको एयर पोल्यूशन बोला जाता है। या वी कैन से द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज कॉल्ड द एयर पोल्यूशन। क्वालिटेटिव चेंज हो चाहे क्वांटिटी में चेंज हो, वो एयर पोल्यूशन होता है, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। There are two category of source natural source और second man-made source। man-made anthropogenic natural source है, volcanic eruption, volcanic eruption students ज्वालामुखी विस्फोट को बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, फॉरेस्ट फायर जो जंगलों में आग लगती है, जो थोड़े दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में भी लगी थी, उससे भी पोल्यूशन होता है। सी साल्ट स्प्रे के अंतर्गत स्टूडेंट्स ये समुद्र के जो कोस्टल एरिया हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट डालता है और टेम्परेचर बढ़ाने में भी रोल होता है। बायोलॉजिकल डिके फोटोकेमिकल सोलर रेडिएशन होता है, मार्स गैस जिसे मीथेन बोलते हैं, पोलन प्राकण जो फ्लावर्स पे होते हैं वो भी हार्मफुल होते हैं, पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स आर सम नेचुरल सोर्स। स्पोर्स बीजाणु आर नेचुरल सोर्सेज। रेडियो एक्टिव मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव द एटमोसफियर। अर्थ क्रस्ट मतलब भू प्रॉपर्टी पे जो अर्थ क्रस्ट है उस पर रेडियो एक्टिव सोर्स है, वो भी एनवायरमेंट के लिए पोल्यूशन का सोर्स है। नेक्स्ट है मैन मेड सोर्स, इंडस्ट्रियल इमिशन, इंडस्ट्री से निकलने वाला उत्सर्जन, व्हीकल, एरोप्लेन्स, पावर स्टेशंस, न्यूक्लियर पावर स्टेशन से बोल सकते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स का जलना आर मैन मेड सोर्स। ये सब मैन मेड सोर्स हैं। एयर पोल्यूशन इज कॉज मेनली ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स टू रन व्हीकल्स एंड फॉर चिमनी ऑफ फैक्ट्री एंड पावर स्टेशन। स्टूडेंट्स, टुडे एयर पोल्यूशन का मेन कारण है सबसे बड़ा तो व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज, बर्निंग ऑफ फ्यूल टू रन व्हीकल एंड चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से और व्हीकल्स से जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। अब है कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन कैसे होता है। व्हीकल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक विच पोल्यूट द एयर। व्हीकल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक निकलता है वो एयर को पोल्यूट करता है। वेस्ट मैटर रिलीज्ड
फ्रॉम केमिकल स्टील्स फर्टिलाइजर सीमेंट एंड शुगर इंडस्ट्री कोज एयर पोल्यूशन. वेस्ट मटेरियल जो निकलता है इंडस्ट्री से वो भी एयर पोल्यूट करता है. इंसेक्टिसाइड्स यूज टू किल इंसेक्ट्स आल्सो प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन बाई मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स इन एयर. स्टूडेंट्स इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट को किल करने के लिए एग्रीकल्चर में यूज करते हैं फील्ड में, तो वो केमिकल का स्प्रे करते हैं तो वो एयर में मिक्स होकर एयर पोल्यूट करता है. फॉर डोमेस्टिक कुकिंग पर्पज वुड एंड डंग केक्स आर यूज्ड. वुड और डंग से जो केक बनाई जाती है, जो गोलाकार आकृति स्ट्रक्चर होती है, उसको जलाने के यूज करते हैं. द स्मोक एमिटेड बाई देम प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन. देर इज ऑल्सो एयर पोल्यूशन ड्यू टू डोमेस्टिक वेस्ट थ्रोविंग देम इन ओपन प्लेस. इनको जलाने से और घरेलू कचरा है, डोमेस्टिक वेस्ट है, उसको ओपन प्लेस में फेंकने से भी एयर पोल्यूशन होता है. स्मोक एमिटेड ड्यू टू द स्मोकिंग ऑल्सो पोल्यूट द एयर. स्मोक एयर पोल्यूट करता है, धुआं. एयर पोल्यूशन ऑल्सो अकर ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन. अभी आया था ज्वालामुखी. अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन स्ट्रॉम. अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन कोई विस्फोट वगैरह हो. स्ट्रॉम तूफान और साइक्लोन चक्रवात जो आते हैं ये भी एयर पोल्यूशन का कारण होते हैं. ड्यू टू ह्यूमन एरर एक्सीडेंट्स लाइक एक्सप्लोजन इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन. न्यूक्लियर पावर स्टेशन में कोई भी एक्सप्लोजन हो. फायर ऑफ ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट्स. लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम इंडस्ट्री. लीकेज ये बहुत हार्मफुल होते हैं स्टूडेंट्स. लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम इंडस्ट्री जो भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी एक बार. भोपाल गैस त्रासदी जिसमें कई लोग मारे गए थे. मीथेन गैस सीक्रेट हुई थी. आल्सो डेंजरसली पोल्यूट द एटमोसफियर. ड्यू टू डिफोरेस्टेशन इक्विलिब्रियम ऑफ एटमोसफियर गेट डिस्टर्ब्ड एंड एयर गेट्स पोल्यूटेड. सॉरी डिस्टर्ब्ड. ड्यू टू डिफोरेस्टेशन जंगलों का काटना, पेड़ों का कटाई डिफोरेस्टेशन है. इक्विलिब्रियम ऑफ एटमोसफियर गेट डिस्टर्ब्ड एंड एयर गेट्स पोल्यूटेड. एटमोसफियर को पेड़ काटने से एटमोसफियर वो डिस्टर्ब होता है और एनवायरमेंट पोल्यूट होता है. रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉज टू एयर पॉपुलेशन. सॉरी एयर पोल्यूशन. रैपिड अगर लगातार जनसंख्या में वृद्धि होती है. इंक्रीज पॉपुलेशन आल्सो कोज एयर पोल्यूशन, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन हो उसके लिए हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उतना ही डोमेस्टिक वेस्ट भी बढ़ेगा और हर तरह से वो पॉपुलेशन पॉल्यूशन करेगी. तो एयर पोल्यूशन का ये भी एक मेन कारण है. ये बढ़ती जनसंख्या पोल्यूशन का मेन कारण है. एक सबसे बड़ा डिफोरेस्टेशन. स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. थैंक यू.